खरगोन जिले में बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकली नोट खपाने आए लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद नकली नोट के जखीरे का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी क्रम में घटना के मास्टरमाइंड ने 2 लोगों का नाम और उजागर किया, जिनके घर दबिश देकर पुलिस ने 25,000 के नकली नोट बरामद करके आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा चलाए नकली नोट मार्केट में चल रहे हैं, जिनके संबंध में बैंकों को सूचित करके आमजन को आगाह किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारे मुख्य आरोपी थे, जो दोनों मामा भांजे थे, इनको पुलिस ने PR पे लिया था और इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो इनके द्वारा जो मुख्य प्रारंभिक स्तर पे जो बताए गए थे उनको तो पुलिस ने पहले ही राउंड अप कर लिया था, लेकिन उसके अलावा इन्होंने 2 अन्य लोगों के भी नाम बताए थे कि जिनको इन्होंने पैसे दिए थे खपाने के लिए। तो पुलिस ने उनके यहाँ पे भी दबिश दी और उनके यहाँ भी तलाशी ली, तो दोनों जगहों पे जो इन्होंने दिए थे उससे दोनों जगहों के मिला के कुल करीब 25,000 के और नकली नोट हमें इन दोनों व्यक्तियों से बरामद हुए और इन दोनों को पुलिस ने फिर गिरफ्तारी की। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने जब इस घटनाक्रम का जानकारी मिली तो हम लोगों ने सभी को, विशेष तौर पर जितने भी बैंक्स हैं, उनको भी इस माध्यम से इसकी जानकारी दी और उनको भी ये बताया कि वो लोग भी जब भी कोई ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि इनिशियली कुछ पैसा जो इन्होंने विभिन्न जरियों से मार्केट में खपाया है तो संभावना थी कि वो अभी भी सर्कुलेशन में हो, तो इसलिए बैंक्स को भी इसके विषय में बताया था कि वो सचेत रहें और जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 200, 500 और 2,000 के जो नोट हैं उसमें वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं उसमें कोई नकली नोट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।